वेलकम टू ऑल, मैं हूँ किशन वर्मा विद्या भारती पब्लिक स्कूल से, और आज इन छोटे छोटे सितारों के साथ हम लोग जाने वाले हैं कहाँ पे? आज खूब सारा हम लोग एंजॉय करने वाले हैं हमारे प्रिंसिपल मैम डायरेक्टर सर की गाइडेंस में, और सारे अच्छे से तैयार होके प्यारे प्यारे सेंटा वाली कैप लगा के चेहरों पे प्यारी सी स्माइल लेके हो चुके हैं रेडी जाने के लिए आज चर्च में। हमारे साथ है हमारी अरुणा मैम, कामना मैम, रेनू मैम, और पीछे हमारी बैठी है ज्योति मैम, और साथ में इतने प्यारे प्यारे बच्चे। अब मैं बच्चों के पास आऊंगा और ये बच्चे आपको स्माइल करके बताएंगे कि आज ये कितने खुश है, प्लस हाय भी करेंगे। आप लोग हाय करो। सो इनके चेहरों की खूबसूरती, इनकी जो मासूमियत है वो ये बताती है कि जिंदगी में सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होती है दिल की सच्चाई, दिल की सफाई। और इन प्यारे प्यारे बच्चों के साथ आज हम लोग विजिट करेंगे चर्च को। एक्साइटेड हो सारे? सारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, मैं भी एक्साइटेड हूँ, एंड थैंक्स टू माय स्कूल दैट इट हैज गिवन मी चांस टू गो विद दीज किड्स। सो आगे का पूरा सफर हम लोग साथ रहेंगे और खूब सारा हम लोग जो आज इंजॉय करेंगे। देश है अलग अलग धर्मों की, अलग अलग बोलियों का, अलग अलग कल्चर्स का, और हमारे स्कूल की ये खास बात रहती है कि हम सांप्रदायिकता को न मान के बच्चों में धार्मिक सद्भावना जो है वो देना चाहते हैं। और बचपन से ही जब बच्चों को पता होगा कि धर्म क्या है, धर्म का असली मतलब क्या है, असली मायना क्या है, तो शायद वो जब बड़े होंगे तो अपने आप को किसी एक धर्म से न जोड़ के सभी धर्मों को बराबर मानेंगे। यही पहचान है जो इन बच्चों की है, और इन बच्चों में जो भी मासूमियत है, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, पर जो चीज़ें इन्हें सिखाई जाएंगी वो चीज़ें जिंदगी भर इनके दिलों पर एक ऐसा असर रखेंगी जो इन्हें एक अच्छा इंसान बनाने में बहुत कारगर सिद्ध होगी। इसलिए आज विद्या भारती पब्लिक स्कूल के बच्चे पहुँच गए हैं हिसार के सेंट थॉमस चर्च के अंदर, जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया डेकोसिस ऑफ दिल्ली के नाम से जाना जाता है। और यहाँ आज जो बच्चे हैं वो देखेंगे, जानेंगे कि हर धर्म का अपना हिसाब होता है, पूजा पाठ, पूजा अर्चना, उपासना के तरीके होते हैं, और चर्च में किस तरीके से जो है वो पूजा पाठ की जाती है। कहते हैं कि सबका अपना पूजा पाठ का तरीका होता है, लेकिन हर धर्म का जो सार है वो एक है, वो है मानवता, वो है मानवता।
हम सब ने प्रे की, बच्चों ने भगवान ईसा मसीह के बारे में जाना है, इनके जीवन के बारे में, और जिस तरीके से उन्हें आशीर्वाद था कि मानवता की वो रक्षा करेंगे, इन सब बातों को जान के चर्च में आज इन सभी बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए जो है प्रार्थना की गई है, ताकि एक अच्छी लाइफ ये लोग जिए। और सेंट थॉमस चर्च के जो भी प्रीस्ट थे, इन्होंने इन बच्चों को आशीर्वाद दिया, प्रभु यीशु के जीवन के बारे में इनको बताया, और इन बच्चों को हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलने की सीख दी, ब्लेसिंग्स दी। यही हमारी चाहते हैं, यही हमारी जो है भगवान ईसा मसीह से प्रार्थना है। तो अभी हम है सेंट थॉमस चर्च हिसार के मेन गेट पर, और इन प्यारे प्यारे बच्चों के प्यारे प्यारे टीचर्स जो है हमारे साथ हैं, हमारे साथ है अरुणा मैम। तो अरुणा मैम, आज की जो विजिट थी, इसका बेसिक मोटिव क्या है? बेसिक मोटिव सर, बच्चों को सब धर्मों के बारे में समझाना, उनको आपस में एक दूसरे के साथ कैसे हम लोग आपस में मिलकर सभी त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, कैसे यूनिटी शो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चंचल मैम, आप अपनी क्लास पूरी साथ आए हो, तो बच्चे एक्साइटेड थे इसके लिए? बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, वो तो मॉर्निंग में आते ही, मैम हमें कब लेके जाओगे, हमारा ट्रिप जा रहा है, हम कब जाएंगे, इतने एक्साइटेड थे कि बस मुझे भी इनके साथ एक्साइटेड होना। ना बिल्कुल बिल्कुल जायज बात है। तो रेनू मैम, आज बच्चों ने क्रिसमस के बारे में जाना है, सो एक क्या एम है बच्चों को, मतलब आज इस जगह पे आप लेके लाए, तो क्या मेन सिखाना चाहते हो बच्चों को? बच्चों को मेन ये बताना चाहते हैं कि ये जो फेस्टिवल होता है कि किस वजह, क्या रीजन की हम जो सेलिब्रेट करते हैं। वेरी गुड। ओके, तो सारे स्टूडेंट्स ने आज चर्च विजिट किया, अच्छा लगा आप सबको? सो ज्योति मैम, आप भी इन बच्चों के साथ हो, तो कहते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो विविधताओं से भरा हुआ देश है, ठीक है, और आज का जो वक्त है, कुछ राजनीतिक पार्टियां या कुछ भी कह लीजिए आप लोग, जो बच्चों के दिलों में जहर घोलते हैं, लोगों के दिलों में जहर घोलते हैं, तो आपके स्कूल का ये कदम क्या क्या चाहता है? हमारा मेन मोटो सर यही है कि हम अपने बच्चों को हर धर्म के बारे में सिखाएं और मिलजुल कर रहें। बिल्कुल, मिलजुल के रहना, चाहे धर्म कोई भी हो, पूजा उपासना का तरीका कोई भी हो, लेकिन हर धर्म का जो एक सार होता है, वो एक ही सार होता है, वो होती है मानवता। और यही सीख इन बच्चों को देने के लिए, क्योंकि ये बच्चे छोटे पौधे हैं जो कल को एक बड़ा पेड़ बनेंगे, और एक ऐसा मजबूत पेड़ बनेंगे जो सबको छाया देंगे, मानवता की छाया देंगे, सच्चाई की छाया देंगे, भलाई की छाया देंगे, और प्यार और सद्भावना का संदेश जो है वो ये बच्चे हर जगह लेकर जाएंगे।
सो मुझे बहुत अच्छा लगा इन छोटे छोटे बच्चों के साथ आके। मैं अगेन थैंक्स करना चाहूंगा मेरे स्कूल का, डायरेक्टर मैम का, सर का, प्रिंसिपल मैम का, और जो भी हमारे इंचार्जेस हैं, टीचर्स हैं, कि इन्होंने मुझे मौका दिया इनके साथ आने का। और इन बच्चों को जो सीख मैंने टीचर से बात की तो पता चला कि इन बच्चों को, क्योंकि बच्चे आने वाला भविष्य हैं, और इन बच्चों के दिलों में अभी से ही अगर इस बात को पक्का कर दिया जाए कि आप चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, लेकिन एक मानव होने के नाते, एक इंसान होने के नाते आपका ये फर्ज बनता है कि आप हर धर्म को समझें, हर धर्म को जानें, हर धर्म में जो भी बातें बताई गई हैं, जो भी अच्छी बातें बताई गई है, उन्हें जिंदगी में ग्रहण करके अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि लोगों को ये लगे कि ये जो इंसान है वो भगवान का ही रूप है। कहते हैं कि भगवान जो होते हैं वो इंसानों में वास करते हैं, और भगवान सच में ऐसे इंसानों में वास करते हैं जो इंसान सभी धर्मों के सार को समझता है, सभी धर्मों को जानता है। थैंक यू। आपने क्या देखा बताओ? सब बच्चे चर्च देख कर आए? आपने वहाँ प्रेयर की? प्रेयर की सब बच्चों ने? गॉड क्या है हमारे? एक ही गॉड है। गॉड देखे वहाँ? वरुण।